नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने अध्याय एक में बताया था, पर्यावरण का मैंने अध्याय एक पहले ही डाल चुका हूं, जिसमें आपको परिवार एवं मित्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अध्याय दो मिलने वाला है, जिसमें पौधे से संबंधित यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित, जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ 2020 में आने वाली है, चाहे वो CTET हो, MPTET हो, DSSSB हो, KVS हो, फिर अन्य टेट एग्जाम जो कि 2020 में आने वाली है, उन सभी के लिए दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। हर प्रश्न का निचोड़ दिया गया है, जिन प्रश्नों को समझाने लायक है उन प्रश्नों को आपको यहां पर समझाया भी जाएगा। यहां पर आपको रटना नहीं है, समझना, तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से उन प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। जितने भी अभी तक हमने वीडियो डाले हैं उन सभी की PDF आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर आपको 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं, जो कि किसी भी टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आपको ऐप्स कैसा लगा, उसमें क्या क्या ऐड करने की आवश्यकता है। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ें कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पौधा क्या होता है और पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधा क्या होता है इसके बारे में तो आपको पता होगा। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि पौधे के कितने भाग होते हैं या फिर कितने तंत्र होते हैं। तो यहाँ पर पौधों में दो प्रमुख तंत्र होते हैं, पहला होता है जड़ तंत्र और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र यहाँ पौधों का जमीन से जुड़ा हुआ भाग है, जिसमें जड़ें आती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है। और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र यहाँ पौधों का बाहरी भाग है, जिसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, ये सभी प्ररोह तंत्र में आते हैं। प्ररोह तंत्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जड़ें कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जड़ें दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा जड़, या फिर इसको अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ या फिर अपस्थानिक जड़, ये दो प्रकार की जड़ होती हैं। यहाँ पर मूसला जड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ या फिर झकड़ा जड़ किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मूसला जड़, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मूसला जड़ किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम थ्योरिकल बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। मूसला जड़ इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतया द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। मूसला जड़ के चारों तरफ पाश्चर्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से पुनः पाश्चर्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार ये सब मिलकर मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इसमें यदि हम उदाहरण के तौर पर समझे तो तुलसी, सरसों, नीम, आम, मटर का पौधा, ये सभी मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने बीच में पाश्चर्व शाखाएं के बारे में आपको जानकारी दी थी कि पाश्चर्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं, द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो यहां पर पाश्चर्व शाखाएं होती क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहां पर मुख्य जड़ दिख रही है, मुख्य जड़ जो दिख रही है इसे ही प्राथमिक जड़ कहते हैं, और इसमें से जो जड़ें निकलती हैं उसे पाश्चर्व शाखाएं कहते हैं और उसे ही द्वितीयक जड़ कहते हैं। और यहां पर जो द्वितीयक जड़ में से जो जड़ें निकलती है या फिर पाश्चर्व शाखाएं निकलती हैं उसे तृतीयक जड़ कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, जो मुख्य जड़ होती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, और जो प्राथमिक जड़ से जो जड़ें निकलती है उसे द्वितीयक जड़ कहते हैं, और जो द्वितीयक जड़ से जड़ें निकलती है उसे तृतीयक जड़ कहा जाता है। ये मूसला जड़ कहते हैं और इसे ही मूसला जड़ कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो एक बार फिर बता देता हूं, तुलसी, सरसों, नीम, आम, मटर का पौधा, ये मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं अपस्थानिक जड़ या फिर मूसला जड़ के बारे में। जिस जड़ में प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ नहीं होती है उसे ही हम झकड़ा जड़ या फिर अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घास, मक्का, गेहूं तथा जौ, ये झकड़ा जड़ के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में अंतर की बात करें तो मूसला जड़, इसकी जो प्राथमिक जड़ होती है कभी नष्ट नहीं होती है, वह निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा उससे द्वितीयक व तृतीयक जड़ें उत्पन्न होती रहती है। यदि अपस्थानिक जड़ की बात करें तो इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट हो जाती है तथा उसके स्थान पर पौधे के वायवी भागों से जड़ें उत्पन्न होती है, प्रायः यहां रेशेदार जड़ें होती है। यहां भूमि में बहुत गहराई तक जाती है मूसला जड़, और अपस्थानिक जड़ यहां भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती, यहां केवल उसकी ऊपरी सतह पर ही रहती है। यहां हुई मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ की बातें। तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर हमारा अगला प्रश्न है,
पेड़ के तंत्रों में से प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, आपको बताना है प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। चार विकल्पों में से मैंने शुरू में पौधे के दो प्रकार बताए थे, दो तंत्र बताए थे, पहला था जड़ तंत्र और दूसरा था प्ररोह तंत्र। मैंने जड़ तंत्र के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी, अब बात करते हैं प्ररोह तंत्र के बारे में। देखिए जड़ तंत्र जमीन के नीचे का जो भाग होता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं और जो जमीन के ऊपर का भाग होता है उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलता है उसे प्ररोह कहलाता है। इसमें तना, पत्ते, फूल, फल आदि विकसित होते हैं। प्ररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सके, इसे ही हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प असत्य होगा। चार विकल्पों में से प्ररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है यह कथन। इसमें फल, फूल व पत्तियां आती, बिल्कुल सत्य है। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये असत्य है। इसमें तना व शाखाएं भी सम्मिलित होती है प्ररोह तंत्र में। यहाँ पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है प्ररोह तंत्र। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा, यही विकल्प हमारा असत्य है, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है, जड़ है, फूल है, फल है या फिर तना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सब्जी के रूप में जो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू एक तना है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आलू किस प्रकार का तना है, प्याज किस प्रकार का तना है, हल्दी व अदरक किस प्रकार का तना है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आलू किस प्रकार का तना है तो ये एक कंद है, याद रखिएगा जो आलू है ये एक कंद है। प्याज की बात करें, प्याज किस प्रकार का तना है तो ये सलकंद है। प्याज, हल्दी व अदरक की बात करें तो ये प्रकंद है, याद रखिएगा। एक बार फिर बता देता हूं, आलू कंद है, प्याज किस प्रकार का तना है तो ये सलकंद है, हल्दी व अदरक किस प्रकार का तना है तो ये प्रकंद है। इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वहां कहलाता है, वहां क्या कहलाता है। आपके सामने चार विकल्प है और यहां पर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। स्त्री केसर है, अंडाशय है, बाहदल है या फिर बीजांड है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा कली का जो प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वहां बाहदल कहलाता है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अब यहां पर बात करेंगे बाहदल क्या होता है, बीजांड क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। सबसे पहले हम कल बात करेंगे, उसके बाद आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाहदल की। बाहदल फूल का एकदम बाहर वाला भाग बाहदल कहलाता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये वाला भाग कौन सा रहेगा, हमारा बाहदल रहेगा। यह दल कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है। बाहदल पूर्ण रूप से बाहदल पुंज बनाता है। अब बात कर लेते हैं पंखुड़िया की। पंखुड़िया तो आप जानते होंगे, फलों के फूल के जो बाहर पंख खिले होते हैं उसे ही हम पंखुड़िया कहते हैं। फूल के बाहदल के बाद पंखुड़िया ये प्रायः बहुत चमकीले रंगों वाली होती है। यह फूल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह मधुमक्खियां तथा तितलियों को आकर्षित करता है और पंखुड़िया के जो पूरे समूह हैं इसको दलपुंज कहते हैं। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, इसको दलपुंज कहते हैं, पूरे समूह को पंखुड़िया के, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फूल का नर भाग कौन सा है और फूल का मादा भाग कौन सा है। तो यहाँ पर जो फूल का नर भाग है वो पुंकेश्वर और परागकोश है और यहाँ पर फूल का जो मादा भाग है वो स्त्री केसर है। याद रखिएगा फूल का नर भाग पुंकेश्वर और परागकोश है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। यहाँ पर फूल का नर भाग दो भागों में बांटा गया है, एक पुंकेश्वर जो लंबे तने की तरह होता है तथा दूसरा उसके ऊपर एक बल्बिक तरह होता है जिसे परागकोश कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा पौधा अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन से पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो है परागकोश। आगे आएगा ये प्रश्न तो मैं आपको अभी बता देता हूं कौन सा पौधा है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो है पराकोश। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं पुंकेश्वर यहाँ पर जो लंबे तने की तरह होता है ये पुंकेश्वर होता है और यहाँ पर आपको बल्फ की तरह दिख रहा है ये पराकोश होता है। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्त्री केसर की। देखिए स्त्री केसर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ फूल का मादा भाग है और यहाँ फूल के मध्य में होता है। आप देख सकते हैं फूल के मध्य में स्त्री केसर है और इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अंडाशय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फूल के जो भाग होते हैं उसे एक एक करके बताया, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा सभी भागों के बारे में। तो अब प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया था,
कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वहां कहलाता है, तो वहां क्या कहलाता है? यदि मैंने आपको समझाया होगा तो आपको पता होगा कि वहां बहादल कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या कहलाएगा, वो बहादल कहलाएगा। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा और यह दल कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है बहादल। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसका है? अमरबेल उदाहरण रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अविस्तंभ जड़ का या फिर स्तंभ जड़ का। तो यहां पर जो अमरबेल है ये परजीवी जड़ का उदाहरण है। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं या फिर वही परजीवी कहलाते हैं, उदाहरण के तौर पर अमरबेल। यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? चार विकल्प देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सी जड़ें हैं जिसको खाई जाती है। यहाँ पर गाजर को भी खाया जाता है, मूली को भी खाया जाता है और शकरकंद को भी खाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा, फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बीजांड, स्त्री केसर, बहादल या फिर पुष्पदल। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बीजांड कहते हैं। और यदि बीजांड का हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बीज का अंडा, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अंदर जो तीन आपको छोटे छोटे अंडे दिख रहे हैं ये बीजांड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? मध्य सिरा के नाम से जाना जाता है, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जालिका। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। ये दो प्रकार के होते हैं सिरा विन्यास, पहला होता है जालिका रूपी सिरा होता है और एक समांतर सिरा होता है। ये समांतर सिरा होता है और ये जालीनुमा सिरा होता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा या फिर हरे वर्णक के रूप में। तो यहाँ पर पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? आपने बरगद का वृक्ष तो देखा ही होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा जो शाखाओं में से निकली हुई जड़ हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये किस नाम से जानी जाती है। तो ये अविस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती है और ये बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करती है और उसे अविस्तंभ जड़ कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती है, वो क्यों होती है ये आपको बताना है। सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्ण हरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हरी होती है वो पत्तियों में पाए जाने वाले पर्ण हरित के कारण होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। आप सभी को पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? यहाँ पर कांटेनुमा पत्तियों की बात हो रही है। कांटेनुमा पत्तियाँ कहाँ पर पाई जाती है? आप सभी को पता होगा कि कांटेनुमा जो पत्तियाँ हैं ये मरुस्थली इलाकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है, बरगद, गुलाब, मेहंदी या फिर तुलसी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बरगद। बरगद वृक्ष का उदाहरण है। यहाँ पर गुलाब, मेहंदी और तुलसी ये
पौधे के उदाहरण। याद रखिएगा, बरगद एक वृक्ष है, गुलाब, मेहंदी और तुलसी ये तीनों ही पौधे हैं। और आपको सभी को पता होगा कि बरगद हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर पोटेशियम। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कीट भक्षी पौधा होता कैसा। देखिए, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार यहाँ पर आपको दर्शा गया है। देख सकते हैं आप कीट भक्षी पौधे किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कीट भक्षी पौधे दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन पौधों को नाइट्रोजन की अधिक जरूरत होती। किसकी अधिक जरूरत होती है? नाइट्रोजन की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि जहां पर ये उगते हैं, जिस मृदा में ये उगते हैं, वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जब इन पौधों को पोषक तत्व या फिर नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो ये कीट पतंगे को खाकर इनकी कमी को पूरा करते हैं। और यहीं पर इसका आंसर होगा, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। जब नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है उसको पूरा करने के लिए ये कीट पतंगे को खाकर इसकी कमी को पूरा करते हैं। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है? हम शुरू में ही दोस्तों मूसला जड़ के बारे में बात कर चुके हैं, पर फिर भी हम प्रश्न आया है तो इसके बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है मूसला जड़ के बारे में? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य रहेगा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कथन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ है वो कभी नष्ट नहीं होती है, ये निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा इससे द्वितीयक व तृतीयक जड़ें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प तो हमारा सही है। दूसरा विकल्प है, मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प है वह सत्य रहेगा, यहाँ पर जो मूसला जड़ है वो भूमि में बहुत गहराई तक जाती है, ना कि नहीं जाती। यहाँ पर तीसरा विकल्प है, यहाँ बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। यहाँ पर मूलांकुर लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, यहाँ बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये दोनों ही विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका कारण है, इसका क्या कारण है? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधों की यह विशेषता होती है, ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं, पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि एक वर्ष की होती है, इसलिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो इसका कारण होता है वो ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है। सेकंड विकल्प ये हमारा, पत्तियां केवल भोजन बनाती है, उसका संचय नहीं करती है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प है वो असत्य है, क्योंकि यहाँ पर पत्तियां भोजन भी बनाती है और उसका संचय भी करती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर केवल पहला, यहाँ पर जो केवल पहला कथन है वो यहाँ पर सत्य माना जाएगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने तीन कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करके आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम परपोषी के बारे में जान लेते हैं, ये परपोषी पौधे होते क्या हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा अन्य पौधों तथा पशुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, पहला है मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। सबसे पहले मृतजीवी पौधे के बारे में जान लेते हैं, मृतजीवी पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों के मृत तथा अपघटित शरीर से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कि कवक, फफूंद तथा मशरूम, ये मृतजीवी पौधे हैं। अब परजीवी की बात कर लेते हैं, परजीवी पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं उनको परजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल के बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। अब हम बात कर लेते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला विकल्प है यहाँ पर हमारा, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो बिल्कुल सही है पहला वाला विकल्प। दूसरा विकल्प है, ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तीसरा विकल्प है यहाँ हमारा,
परपोषी को दो भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी। यहां पर तीसरा वाला विकल्प भी हमारा सही है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा, फोर्थ वाला विकल्प यहां हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सत्य है, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है या फिर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है मोनेरा जगत में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सत्य है। दूसरा विकल्प है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प है वो असत्य है, यहाँ पर फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को नहीं रखा जाता, फ्लोरा के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है या फिर पौधे समुदाय को रखा जाता है फ्लोरा के अंतर्गत। यहाँ पर संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है फोना के अंतर्गत। तो याद रखेगा, फ्लोरा के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है और फोना के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केवल पहला ही कथन हमारा सही रहेगा। तो यहां पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहां पर आपको कौन सा पौधा कहां पाया जाता है यह आपको बताना है चार विकल्पों में से, और यहां पर कूट में आपको आंसर देना है। आपको यहां पर सही जोड़ी मिलान करना है और फिर उसका आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। यहां पर हम डिटेल में जानेंगे जलोद्भिद, लवणभिद, समोद्भिद और मरोद्भिद जो पौधे होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो ये क्षेत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, चार भागों में वर्गीकरण किया है, जलोद्भिद, लवणभिद, समोद्भिद और मरोद्भिद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोद्भिद की। देखिए, तो जलोद्भिद नाम से ही पता चल रहा है कि ये पानी में पाया जाता है। इनकी जड़ कम विकसित होती है, इनकी पत्तियां पतली व सकरी होती है जिस पर मोम की परत होती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम जाने तो कमल, हाइड्रिला और जल लिली ये सभी जलोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम सही जोड़ी की बात करें तो यहां पर आप समझ ही गए होंगे जलोद्भिद जली पौधे होते हैं। यहां पर हम सही जोड़ी भी मिलान करते चलेंगे यहां पर साथ ही साथ। अब बात करते हैं लवणभिद की। देखिए, जो लवणभिद पौधा है ये इस प्रकार के पौधे होते हैं, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं इस प्रकार के पौधे, और इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। लवणभिद के जो पौधे होते हैं ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो सही जोड़ी मिलान होगी वो दलदली पौधे होते हैं लवणभिद। तो यहाँ पर हम साथ ही साथ सही जोड़ी का भी मिलान करते चलेंगे। अब बात करते हैं समोद्भिद की। देखिए, जो समोद्भिद पौधा होता है ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है, और उदाहरण के तौर पर जाने तो मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है, इसलिए ये मर जाती है। तो यहाँ पर हम यदि सही जोड़ी मिलान करेंगे तो ये जो खेती योग्य पौधे होते हैं समोद्भिद, और लास्ट में आपका बचा मरुद्भिद, तो ये मरुस्थली पौधे होते हैं। मरुद्भिद ये पौधे मरुस्थली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती है। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। यदि उदाहरण के तौर पर जाने तो नागफनी, एकासिया, यूफोबिया आदि ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मरुद्भिद पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सही जोड़ी मिलान करें तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला, 4-3-2-1। देखिए, यहाँ पर जलोद्भिद पौधे जली पौधे होते हैं, लवणभिद दलदली पौधे होते हैं, समुद्भिद ये खेती योग्य पौधे होते हैं और मरुद्भिद ये मरुस्थली पौधे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको लताओं के बारे में तीन विकल्प दिए गए हैं, इन पर विचार करके बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले हम विकल्पों की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी लताएं होते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प है, ये अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं। बिल्कुल सही है, जो लताएँ होती है वो अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही है। जो लताएँ होती हैं इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं दो प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है। लताएं दो प्रकार की होती है, विसर्पी लता और आरोही लता। यहां पर विकल्पों की बात करें तो यहां पर तीनों विकल्प सही है, और इसके अनुसार हमारा सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही विकल्प हमारे यहां पर सही है। लताओं के बारे में जो कथन पर विचार किया उससे उस आधार पर यहां पर तीनों विकल्प हमारे सही है। तो यहां पर पहले लताएं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यहां पर बताया गया कि दो प्रकार की लताएं होती है, पहला विसर्पी है और दूसरा आरोही है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लताएं। ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और इन्हें ही लताएं कहते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, विसर्पी लता और
आरोही लता। सबसे पहले आता है विसर्पी लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती, जमीन के सहारे होती हैं ये लताएं। और उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना, ये सभी विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आरोही लता के बारे में बात करें तो ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है या ऊपर चढ़ती है, जिससे यहाँ वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। आपने देखा होगा कोई सा भी वृक्ष है उसके तने के ऊपर जो आसपास लपटी होती है लताएं, उसे आरोही लता के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मनी प्लांट, मटर, अमरबेल, ये सभी आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे लताएं दो प्रकार की होती, विसर्पी लता और आरोही लता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, इसलिए हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण ओटू मुक्त होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए या फिर हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण O2 या फिर ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कथनों पर विचार करके बताना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पादक है। ये तीनों ही विकल्प या फिर ये तीनों ही कथन सही है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा, फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है या फिर कौन सा उत्तक जटिल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा जाइलम। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला जटिल उत्तक है, यहां पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं। थोड़ी देर पहले ही दोस्तों फ्लोरा और फोना का मैंने जिक्र किया था। जो फ्लोरा होता है इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है और जो फोना होता है इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला ही रहेगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है फ्लोरा और फोना, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। मनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस या फिर अंकोनाइट प्लांट। आप सभी को पता है सरल प्रश्न है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिंकोना प्लांट। सिंकोना प्लांट से कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। कई बार आपके सामने यह प्रश्न आया होगा और आपको इसका आंसर भी पता होगा, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सिंकोना प्लांट से कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का या फिर पपीते का। जो चार विकल्प दिए गए हैं इसी के अनुसार आपको आंसर बताना है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा आम का। आम का क्षेत्र दोस्तों भारत में फलों के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आम का है। आम की खेती उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। याद रखिएगा यदि पूछ लिया जाए कि आम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है तो ये उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक होती है आम की, यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में। मैंने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों कीटभक्षी पौधे का जिक्र किया था, ये वही पौधा है नेपेंथिस। नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है और यह पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे कीड़ों जैसे कीड़े मकोड़ों, चूहे आदि को खाता है और यह पौधा मुख्यतः भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा यह कहां पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। यहां पर मैं आपको फिर बता दूं जो नेपेंथिस पौधा है ये एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है और यह पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे कीड़ों जैसे कीड़े मकोड़ों, चूहे आदि को खाता हो और यह पौधा भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये पंखुड़ियों के अंदर का फोटो है या फिर चित्र है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएँ आपको दिख रही हैं, इसी के बारे में आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं, पराग कोष कहते हैं, पराग कहते हैं या फिर मूलांकुर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें पराग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पराग कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन है। थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र किया था, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले तो आप इसका चित्र देख लीजिए, यहाँ पर लौंग का चित्र कैसा होता है, लौंग के पौधे का चित्र कैसा होता है और केसर के पौधे का चित्र कैसा होता है। आप चित्र को देखकर ही यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जड़ होगा, तना, फूल या फिर फल। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फल। ये फल से प्राप्त होता है लौंग एवं केसर, आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लौंग एवं केसर भारत में किस राज्य में इसका उत्पादन होता है। तो यहां पर देखिए, लौंग की बात करें तो ये केरल राज्य में इसका उत्पादन होता है लौंग का, और केसर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है केसर का। लौंग का केरल में और केसर का जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है, और ये किससे प्राप्त होता है? ये फल से प्राप्त होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। इन सब बातों को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, और यदि इसकी PDF चाहिए तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये फ्री में PDF प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरोद्भिद क्षेत्र में, लवणभिद दलदल में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में या फिर शीत क्षेत्र में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को लवणभिद दलदल क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। यह कुनेन नामक जो दवाई है ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, इस प्रश्न के बारे में भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, CTET एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न दो बार पूछा जा चुका है, आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ है उसका चित्र आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है। इसी प्रकार का पेड़ होता है रेगिस्तानी ओक का। तो यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए पहले विकल्प की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पहला विकल्प है, यहाँ पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहां पर पहला विकल्प हमारा सही हो गया। दूसरा विकल्प है, यहां एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। तो यहां पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर जड़ें टहनियों से नहीं लटकी हुई है। तो यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो बिल्कुल सही है, जो ओक का पेड़ होता है उसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया। चौथा विकल्प है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ विकल्प भी बिल्कुल सही है, जो रेगिस्तान में जो का पेड़ होता है इसके तने में पानी जमा होता रहता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों विकल्प सही है। तो इसके जरिए हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा, पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो रेगिस्तानी ओक है इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो एकेसिया कोरियासिया है, याद रखिएगा इसका वानस्पतिक नाम एकेसिया कोरियासिया है, ये आपको याद रखना है इसका वानस्पतिक नाम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। अब आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसने खेजड़ी वृक्ष को नहीं देखा होगा। ये अधिकतर हर जगह देखने को आपको मिल जाएगा खेजड़ी वृक्ष। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो खेजड़ी वृक्ष है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है मुख्यतः। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। जिसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती वही रेगिस्तान में उगता है, उसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प है, यहाँ छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प भी हमारा सही रहेगा। चौथा विकल्प है, यहाँ अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प गलत है। ये वृक्ष जो खेजड़ी वृक्ष है इसके अंतर्गत नहीं आता, ये आता है रेगिस्तानी ओक का वृक्ष जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प है ये गलत है। यहाँ अपने तने में जल एकत्र नहीं करता है और ना ही लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विकल्प सही है। तो इसके माध्यम से हमारा जो पहला वाला विकल्प रहेगा वही सही होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधीय पौधा है। आपने इस प्रश्न को कई बार पढ़ा होगा क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं बीटी कपास का पौधा किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बीटी कपास ही, ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ जो कपास होता है बीटी कपास, यह ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण यहाँ स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है बीटी कपास। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? दोस्तों सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधा क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलिसेट। तो यहाँ पर जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर। तो यहाँ पर जो चरने वाले पशु वनस्पति को बीज प्रकरण द्वारा बदलते हैं, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। आपको बताना है इन सब्जियों में से वो कौन सी सब्जी है जिनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। इनमें बीज पाया जाता है जबकि आलू और प्याज में बीज नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से। काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा और इसका आंसर भी पता होगा, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा साबूदाना। गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज है, साबूदाना बीज नहीं है। साबूदाना साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है साबूदाना। गेहूँ, काली मिर्च और सौंफ ये तीनों ही एक बीज है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या फिर पराग कोष में। तो उसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह का प्रश्न आने वाला है और यह प्रश्न वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, मूल शीर्ष में होता है, पराग कणों में होता है, तने में होता है या फिर पराग कोष में होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पराग कोष में, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है क्या है? जड़ है, तना है, अप स्थानिक जड़े हैं या फिर सल्क पत्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो प्याज, आलू, अदरक है ये क्या है? ये तना है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकणित पौधे, बीज द्वारा प्रकणित पौधे, फल द्वारा प्रकणित पौधे, या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा फल द्वारा प्रकणित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाढ़ से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या फिर पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही समुद्भिद पौधे के बारे में बताया था कि क्यों बाढ़ में समुद्भिद पौधे मर जाते हैं, तो ये मूल में श्वसन रुक जाता है इसलिए बाढ़ में समुद्भिद पौधे मर जाते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था 50 प्रश्न लिए हैं, तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न छूटे हैं ये मैं अगले पार्ट में ले लूँगा। यदि आपके यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो में तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं अवश्य बनाऊंगा। तो कमेंट से मैं बताइएगा कि इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर 47 प्रश्न पर ही हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा, घटपर्णी पौधा नेफेंथिस, मैंने आपको नेफेंथिस के बारे में बताया था कि यहाँ पौधा कीट भक्षी पौधा होता है और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी। यदि आपने वहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। घटपर्णी पौधा का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता, मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो यदि आपने अच्छे से सुना होगा जब मैंने इसको समझाया था तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं कि घटपन्नी पौधा मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ पर मैंने 50 प्रश्नों का आपको बताया था पर यहाँ पर 47 ही प्रश्न मिलेंगे। यदि आप कमेंट से मैं बताएंगे सर इसका सेकंड पार्ट भी बनाइए तो मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, उसमें ये 3 प्रश्न को भी ऐड कर दूंगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।